हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मूंग दाल नमकीन। ये एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इंग्रेडिएंट्स देख के ही पता लगा सकते हैं कि कितना सिंपल होगा रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। यहाँ मैंने मूंग दाल नमकीन बनाने के लिए लिया है नमक, मूंग दाल, ये थोड़ा आप बड़ा साइज़ का दाल लीजिएगा, बेकिंग पाउडर और रिफाइंड ऑयल। तो चले अगले प्रोसेस में। यहाँ मैंने मूंग दाल को 3 घंटों के लिए भिगो के रखे हुए थे। यहाँ मैंने 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर भी डाला था। इसे हम स्टेन कर लेंगे। स्टेन करके हम इसे थोड़ा ढक देंगे ताकि एक्सेस पानी निकल जाए। यहाँ मैंने सीफ से निकाल लिया है ये मूंग दाल। अब हम इसको सुखाने के लिए यहाँ एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ हम निकाल कर फैला देंगे और 1/2 घंटों के लिए इसे सूखने देंगे फैन के नीचे। 1/2 घंटा हो चुका है और जो थोड़ा पानी बचा हुआ है हम इस टॉवल के मदद से सुखा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही आप सुखा लीजिएगा थोड़ा प्रेस करके। ये सूख गया है, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे ऑयल में। यहाँ मैंने फ्राई करने के लिए एक कढ़ाही गरम किया है। कढ़ाही गरम होते ही हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। यहाँ मैंने डाल दिया है और तेल गरम करने के बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। इधर मैं एक बार चेक कर लूँगी तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसे सीव के हेल्प से ऐसे फ्राई करेंगे। ऐसे फ्राई करने में आपका इजी होगा। इसे हम ऐसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आपको फ्राई करने में ऑलमोस्ट 4 मिनट जैसा लगेगा। देखिए ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसे टिश्यू में निकाल लेंगे ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। यहाँ मैं आपको दूसरा बैच फ्राई करके दिखाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही फ्राई करें और फ्लेम आप मीडियम रखें। इसे हम बीच में एक बार चेक भी करेंगे कि ये क्रंची हुआ है या नहीं। कभी कभी आपका ये लगता है देखकर कि फ्राई हो गया है लेकिन क्रंची नहीं होता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखें, यहाँ मैंने सारा फ्राई कर लिया है और ये लास्ट बैच यहाँ मैं डाल दूँगी। इसे हम एक बार स्पून से मिला देंगे ताकि एक्सेस ऑयल टिश्यू और एब्जॉर्ब कर ले। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये काफ़ी अच्छा बना है। यहाँ मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं यहाँ डालूँगी नमक। नमक आप स्वाद अनुसार डालें और नमक डालने के बाद इसे मिला दें अच्छे से। ये देख ही सकते हैं आप, बहुत सिंपल रेसिपी है। तो आपको कैसा लगा ये रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यहाँ मैं एक बॉल में निकाल लूँगी सर्व करने के लिए। देखिए मैंने सर्व कर दिया है। अब ये परफेक्ट स्नैक्स बना है आपका बच्चों के लिए। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा आज का रेसिपी पसंद आया है तो नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।